गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आपका 12 बज रहा है, निकल रहे हैं, अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी रात का 12 बज रहा है, अभी निकल रहे हैं घर से। अब ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो है स्टेशन तक, ऑटो से जाएंगे, 6-7-8 किलोमीटर है। चलो अरब आएगा ना असम, हाँ घूमने आएगा कि नहीं। बाय, सबको बाय कर देते हैं। चलो बाय बाय अरब। सबको बाय करके अभी हम लोग निकल चुके हैं ऑटो में, और एक दो किलोमीटर जैसा आया हूँ वैसे, और लगभग 3 किलोमीटर जैसा है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं जो ओवरब्रिज है, लास्ट टाइम जब आया था मैं ये ओवरब्रिज नहीं बनी थी, तब ये नीचे से नीचे से लाते थे, अभी ये ओवरब्रिज बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी स्टेशन पहुँचे हैं, अम्मा जी और भैया छोड़ने आए हैं। हमारे ट्रेन टाइम पे ही चल रही है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले आ पहुँचे हैं। तो हमने जो ट्रेन से आया था असम से, वही ट्रेन में जा रहे हैं वापस। मेरी बहन मामा जी हैं यहीं पे बैठे हुए, और भैया हैं। तो फ्रेंड्स अभी ट्रेन में उठ चुके हैं, कंफर्म सीट है, अब जाएंगे सोएंगे। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे कल की सुबह। बहुत भीड़ है गाड़ी, वैसे टाइम में आई है पर बहुत भीड़ है। आपका सीट भी कंफर्म सीट है, कोई टेंशन नहीं है, ट्रेन से सोएंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सुबह का 10 बज रहा है, तो कल रात लगभग 1:30 बजे करीब में उठे हैं ट्रेन में। लास्ट मोमेंट में थोड़ी रश आ गई, तो प्लेटफॉर्म में ट्रेन आनी चाहिए थी, वो उस प्लेटफॉर्म में नहीं आने की वजह से थोड़ी लास्ट मोमेंट में रश हो गई, दौड़ना पड़ा। लगभग 10 डिब्बा आगे हम लोग थे, 10 डिब्बा फिर पीछे जाना पड़ा दौड़ के, तो इसी वजह थोड़ा रश हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पाटलिपुत्र पहुँचने वाले हैं दानापुर। तो हम लोग फ्रेश वेश होके अभी ब्रेकफास्ट करके बस लेटे हुए हैं, उपाय तो नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते, तो अभी बस ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स मैं, मेरा सीट तो ऊपर में था, अभी ये सीट खाली होने की वजह से मैं ये नीचे में आया हूँ। तो फिलहाल अभी पहुँचे हैं कटिहार, अब धीरे धीरे ट्रेन खाली हो रही है, थोड़ी देर बाद किशनगंज पहुँचेंगे 1 घंटे बाद, तब तो पूरी तरह खाली हो जाएगी, तब अपनी ट्रेन का राजा होगा, पूरी तरह खाली मज़ा आएगा उसके बाद। तो फ्रेंड्स कल का मैच देख रहा था ना, स्टेशन के लिए निकलने का पहले टीम भाव ने 3 छक्के लगाए लास्ट में, मज़ा आ गया देखकर। टीम भाव ने जो फिनिश किया, और 214 का टारगेट था 212 का, उस मैदान उस स्टेडियम पे 200 के ऊपर का टारगेट पहली बार चेज हुआ, वो भी मेरा फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस ने किया है। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया कल देख के। बाकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पैंट में, ये शर्ट में, ये वाइट वाइट जो है ना, ये सब चद्दर का रुई है,
पे रहा, अजीब लग रहा है, ये निकलने में निकल ही नहीं रहे जितना ट्राई कर रहा हूँ निकलने का। ये क्या है, एसी में ट्रेवल कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, उल्टा खराब हो रहा है टी शर्ट पे भी। बाकी बहुत भीड़ थी, अभी तो थोड़ा थोड़ा खाली हुआ है, फिर भी अभी भी है। लगभग अभी 2 बजे तक का जर्नी है, लेट ना हुआ तो, लेट होने से तब मेरे लिए अच्छा ही एक्चुअली, क्योंकि 6 बजे मेरा रंगिया से ट्रेन है रोहतास जाने का। तो देखिए अभी तो टाइम मेकअप की है, 1 घंटा 15 मिनट चल रही थी लेट, तो अभी फिलहाल 23 मिनट लेट है। कटिहार में हूँ अभी, ये कटिहार स्टेशन है। मौसम बाकी बहुत अच्छा है, पूरा दिन ही क्लाउडी मौसम है, अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये सुबह से नहीं निकला था ट्रेन से, अभी जस्ट निकला हूँ थोड़ा स्टॉपिज है, अभी खुली जाएगी फिर भी, क्योंकि डब्बा उतना अच्छा नहीं था ये वाला, और बहुत इशू इस डब्बे में, ये ट्रेन में वो LTTC से जो खोली है टॉयलेट सही नहीं था, पानी फ्लश में पानी था नहीं, पानी भी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम था डब्बे में इस वाले ट्रेन में आने में। बाकी उधर से गुवाहाटी से जब आ रहा था मैं तब सही था, अभी बेकार लगा मुझे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सनसेट हो रही है, पर ये ब्लैक कर्टन का वजह से दिख नहीं रहा है, मज़ेदार सनसेट हो रही है। पर ये तो हम रंगिया स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए हैं। इस तरफ से होगा, एक नंबर पे उतारा है हम लोगों को आज, चलो सही है। तो फ्रेंड्स ठीक 2 बजे गाड़ी उतारती है हमें स्टेशन पे, फिलहाल टाइम हो रहा है 4:07, 2 घंटे से बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में टिकट काउंटर खुलेगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई, रात को 2 बजे करीब में वो ट्रेन सतना से जो उठा था मैं पहुंचा दी। अभी फिलहाल रुके हुए हैं ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म में, रोहतास जाने का जो ट्रेन है वो 6 बजे है, टिकट ले चुका हूँ। बाकी जो ट्रेन में मैं आया वो ट्रेन वैसे सुपर फास्ट एसी एक्सप्रेस है, वो ट्रेन बढ़िया है जाने के लिए आने के लिए भी, बट जिस डब्बे में मैं था B6 उस पर पानी का प्रॉब्लम हो चुका था। पानी का प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि जो मोटर पंप होता है वो ख़राब हो चुका था, उसी के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वरना ऐसे चलने में गाड़ी एक नंबर है। आप 24 आवर्स आप ट्रेवल सतना पहुँच सकते हैं, रंगिया से 24 आवर्स लगता है, तो आई प्रीफर आप जा सकते हो उसी ट्रेन से। तो अभी रुके हुए हैं, फिलहाल अभी 4 घंटे से रुके हुए हैं, बहुत तेज का नींद आ रहा है क्योंकि रात भर जगे हुए थे, जो अराइवल टाइम था रंगिया में उस ट्रेन का 2 बजे करीब में था, उसी के वजह से नींद आया नहीं, तो अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है। कोचिंग अब ये 6 बजे ट्रेन वाली 6 बजे वाली ट्रेन से घर जाएंगे, बिंदास फ्रेश होके नहा धोकर सो जाएंगे, बहुत तेज नींद आ रही है। Thank you.
पिक करने, तो चलिए गाड़ी पे सामान रखते हैं, चलते हैं घर की तरफ। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बहुत दिनों बाद गाड़ी चला रहा हूँ अपना। ये कौन निकाल दिया? सो फ्रेंड्स, घर पहुंच चुके हैं। मौसम बहुत सुहाना है। एमपी का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। गर्मी के वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया। एक दो जगह गया था, टाउन में थोड़ा बहुत घूमा था एक दो दिन, तो मैं वो वाला ब्लॉग बनाया नहीं हूँ गर्मी के वजह से। और फिर नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा तो और अच्छे अच्छे जगह जाऊँगा तो ब्लॉग बनाऊँगा एमपी का। ठंडी का मौसम में जाऊँगा नेक्स्ट टाइम जाने से। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते हैं घर पे, खाना वाना खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, आराम करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।